हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और आपका स्वागत है मेरे चैनल दिस इज़ गणेश पर। और आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ऑफ राइडा हाइड्रेशन बैकपैक। इसका ब्रांड है राइडा। तो निकालते हैं इसको प्लास्टिक में से, काफ़ी नॉर्मल प्लास्टिक है। और ये है बैग, ये सिर्फ बैग भी आता है और अगर आप चाहें तो इसमें हाइड्रेशन का जो पूरा ब्लैडर होता है वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं इसके साथ। सिर्फ अगर आप बैग लेंगे तो अराउंड 1500 to 1700 इसका प्राइस है, और अगर आप विथ हाइड्रेशन का वो लेंगे ब्लैडर तो आपको मिलेगा अराउंड 2750। अब इसके अंदर जो ब्लैडर आता है वो अराउंड 2 लीटर्स का आता है, जो कि पर्सनली मैं बोलूँ तो काफ़ी कम है, लेकिन चलेगा, अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं था अपने पास। इसको आप खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। सो पहले तो बाहर से देख लेते हैं। तो ये आपका शोल्डर में आता है ऐसे, और ये आपके चेस्ट के पास लॉक करेगा एक, और ये आपके नीचे और एक लॉक होगा जो स्टमक के पास लॉक करेगा पेट के पास। इसमें 2 पॉकेट्स आते हैं एक्स्ट्रा, इन पॉकेट्स में हम लोग पता नहीं क्या रखेंगे जो ना उड़े। इसमें से आपका ब्लैडर का जो पाइप होता है जिसमें आप पानी पीते हो वो पाइप इसमें से जाती है। यहाँ पर भी दिया हुआ है इनकेस अगर आपको इस साइड रखना है, लेकिन ये वाला सिर्फ इस तरफ है। और ये सब रिफ्लेक्टिव है, ग्रे वाला जो पार्ट है ये सब रिफ्लेक्टिव है, ये भी रिफ्लेक्टिव है पैनल। इसमें मेरे ख्याल से यहीं पे कहीं पे पाइप फंसती होगी इसमें। ओके, यहाँ पे भी इसको पॉकेट्स हैं साइड में, मतलब जो कमर के बाजू का एरिया होता है वहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो। क्या सामान रखेंगे लेकिन इतना, चलो टैंक बैग का काम हो गया मतलब। और ये है इसका फ्रंट लुक, फ्रंट में ये 2 चीज़ें, पता नहीं इससे क्या होता होगा, शायद टाइट वाइट करने के लिए होंगी। ये है राइडा का ब्रांड, यहाँ पे पीछे प्राइस भी लिखी हुई है, अराउंड 2750 इसकी प्राइसिंग है। यहाँ पे एक और आपको जिपर मिलेगा, इसके अंदर भी सामान रखने के लिए काफ़ी स्पेस है। फिर यहाँ पे भी एक है जिपर, इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है, जो कि अलग पॉकेट है, ये दोनों पॉकेट जॉइंट नहीं है। यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा सामान, यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान। और इसके अंदर आता है ब्लैडर, तो क्योंकि मैंने ब्लैडर वाला वर्जन बाय किया था, ब्लैडर वाला वेरिएंट, तो ये ऐसा इसका ब्लैडर है। ये इसका ऑन ऑफ करने का स्विच है, ऐसे ऑन ऑफ होगा ये। और ये इसका पीने वाला पार्ट है, इस पर आप मुँह लगा के पियेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें छेद है अंदर, काफ़ी ऑकवर्ड दिखता है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही ऑप्शन है। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है रबर इसका, इसको कवर रखने के लिए इसका ये डस्ट प्रूफ कैप है, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से सिक्योरली लॉक हो जाता है। दैट्स इट। फिर इसके दूसरे साइड में एक आप देख सकते हो ध्यान से, ये रबर ओरिंग पार्ट है, इसकी वजह से सील अच्छे से होता है ये ब्लैडर में। अब ब्लैडर भी निकालते हैं। ओके, इसको भी साइड में रख लेते हैं बैक को, और सिर्फ ब्लैडर की बात करते हैं। तो ये है इसका ब्लैडर, और इसके साथ कुछ स्टिकर्स वगैरह भी दिख रहे हैं अंदर। सो ये इसका ब्लैडर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ब्लैडर दिख रहा है ये। और ये इसका पोर्ट है जहाँ पे ये ट्यूब लगती है। सो इसको ओपन करने के लिए इस तरफ खींचना है ऐसे, और ये पूरा खुल जाता है। ये इसके अंदर का पार्ट है, इसमें आप पानी भरते हो, सिर्फ 2 लीटर का ये ब्लैडर। और इसमें पानी भरने के बाद इसको वापस लॉक करने के लिए ये साइड जो है ये इसमें नहीं घुसेगा, ये एक ही साइड से अंदर जाता है। इसको पहले ऐसे बंद करना है, फिर उसके बाद दोनों तरफ ऐसे रेलिंग्स आ जाएंगी, उन रेलिंग्स पे फिर ओपन साइड को चढ़ाना है और फिर पूरा ऐसे बंद कर देना है, और ये हो जाएगा सील, एकदम सील टाइट। फिर ये इसका क्विक कनेक्ट है, क्विक डिसकनेक्ट और क्विक कनेक्ट करने के लिए काम आता है। इसमें आप ट्यूब को लेंगे और कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएगा, ये भी दबाने की ज़रूरत नहीं है अंदर डालते वक्त, ये डायरेक्ट घुस जाता है। और इसको निकालने के टाइम पे कंबरसम प्रोसेस है। ओके,
और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ओरिंग्स भी आती हैं इन केस अगर आपकी करंट जो इस पर लगी हुई है ओरिंग ये अगर ख़राब हो जाती है, तो आप ये वाला ओरिंग लगा सकते हो इस पर। दो पीस और है, मतलब इसमें टोटल 3 मिले हैं ऐसे। अगर एक अगर 6 महीने में भी ख़राब हो गया तो 1.5 साल का तो है अपने पास स्टॉक। और ये राइडा का स्टिकर गाड़ी वाड़ी पर लगा सकते हैं इसको। ओके दैट्स इट, अब इसको पहन कर देखते हैं, लगा वगा कर देखते हैं अच्छे से बैक पे कैसा दिखता है। ऑलराइट, सो अभी हम लोगों ने इसको पहन लिया है और जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से फिट होता है ये पूरे बॉडी पे। और इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे दो पॉकेट्स हैं और इनके जो जिपर्स हैं ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, इनको खोलना भी काफ़ी आसान है। इसको पकड़ के आप सीधा आप खोल सकते हो और बंद कर सकते हो वापस। और एक पॉकेट यहाँ आपको साइड में मिलता है, इस पॉकेट में भी आप सामान रख सकते हो। और यहाँ पर भी सेम पॉकेट है, इसमें भी वैसे ही जिपर्स मिलते हैं सेम। और ये पीछे का व्यू है इसका, यहाँ पे आप और सामान रख सकते हो। और ये जो पाइप है यहाँ से आती है, ऐसे यहाँ से पाइप आती है, इसमें जाती है, फिर इसमें यहाँ पे भी पाइप है, यहाँ पे इसको पकड़ा है इसने, यहाँ से फिर यहाँ, और फिर ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ये लॉक है, इसमें इसको लॉक करके रखना है। इसको ऐसे निकाल कर ऐसे खोलना होता है। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ये इसको आप बंद करोगे तो भी हार्ड है क्वालिटी इसका, तो इसके अंदर मिट्टी नहीं जाएगी अगर आप अच्छे से इसको बंद कर दोगे। तो इसको प्रेस करके पानी पीना होता है डायरेक्ट, पीने के बाद वापस बंद करो अच्छे से और फिर वापस ऐसे लॉक लगा दो इसका। सो काफ़ी अच्छा है इसका ये। और ये इसके जो ये सब हैं ये एडजस्टेबल हैं, इनको आप और टाइट भी कर सकते हो यहाँ से और यहाँ से, और अगर आप मोटे हो तो इसको आप लूज़ भी कर सकते हो। बाकी तो अच्छा है, इसमें भी आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो, गोप्रो की बैटरीज वगैरह अगर आप कैरी करते हो इसके अंदर, या फिर इसके अंदर आप रख सकते हो सामान सारा। तो काफ़ी स्पेशियस है सामान रखने के लिए, यहाँ पे राइडर की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये सारे ये ग्रे जो लाइन्स हैं ये सारी रिफ्लेक्टिव है, यहाँ है, यहाँ है, और पीछे जो राइडर का लोगो है ये भी शायद रिफ्लेक्टिव है। इसको रात को चला कर देखेंगे तब समझेगा। बाकी तो बढ़िया है इसकी क्वालिटी, मेक इन इंडिया इस पर लिखा हुआ है, कितना मेक इन इंडिया है वो तो पता नहीं अपने को। सो या नाइस, बट स्टिल 2750 रुपीज़ के हिसाब से थोड़ा और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, थोड़ा और अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए थी इसकी। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ऐसे और भी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं।